हेलो फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं एक छोटे से क्लिप है जो स्वतंत्र वीर सावरकर से अभी नया रिलीज हुआ है। तो क्लिप है क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज। बेसिकली इसमें वीर सावरकर की जो आइडियोलॉजी थी उनकी आइडियोलॉजी वर्सेस गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी उसके बीच में थोड़ा सा डिस्कशन है। लेट्स एंजॉय द ट्रेलर और देखते हैं क्या हम किस आइडियोलॉजी से इतना कनेक्ट कर पाते हैं। राम राज्य त्याग और उपवास से मिला था। राम राज्य उपवास से नहीं, रावण का, उसके भाइयों का, उसके सैनिकों का वध करके मिला था। मुसलमानों को आजादी के आंदोलन में मिलाने के लिए हमें उनका साथ देना चाहिए। कैसा मुसलमान है तू जो अपने देश का नहीं हो सका? बनना है तो बहादुर शाह जफर की औलाद बन, जो देश को धर्म से ऊपर रखते थे। 25% मुसलमानों के लिए 36% सीट, एक मुसलमान वोट 3 हिंदू वोट के बराबर होगा। ये मुसलमानों का हक है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनों से पहले मुसलमान हमारे आका थे। आप माइनॉरिटी का डर नहीं समझते? आप 800 साल से गुलाम मेजॉरिटी का दर्द नहीं समझते? आपको भी तो गांधी से नफरत है। मुझे गांधी से नफरत नहीं है, मुझे अहिंसा से नफरत है। तो दोस्तों, ये था स्वतंत्र वीर सावरकर से एक छोटा सा क्लिप, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज। ये मूवी थिएटर में ही देखने लायक है और बहुत शानदार होने वाली मूवी, जैसा हमें देख के भी समझ में आ रहा है। देखिए, दोनों तरफ के हिंसा और अहिंसा का दोनों का बता दिया है और दोनों के फैक्ट्स हैं। सही बात है कि राम राज्य रावण का वध करने से ही मिला था, नहीं तो इस तरह की चीजें हैं। अब ये हो सकता है कई लोगों को अच्छी ना लगे सुनने में, कई लोगों तो आप अपना खुद का पर्सपेक्टिव बनाइए। मूवी बहुत सही होने वाली है। रणदीप हुड्डा की एक्टिंग बहुत अच्छी है, डायलॉग प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिख रहा है, तो आई गेस ये आपको थिएटर में ही देखनी चाहिए। That being said, आपको कैसा लगा ट्रेलर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। पसंद आया है तो डू मेंशन इन द कमेंट, इससे वीडियो की रीच भी बढ़ती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइबिंग।